डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ अनुष्का नामदेव। देखिए, इंग्लैंड और इंडिया के बीच जो है 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका 4था टेस्ट मुकाबला भी अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन इसी के साथ भारतीय टीम को एक झटका लगा था। जी, आपको बता दें कि शनिवार को BCCI ने एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारतीय तेज गेंदबाज जो है जसप्रीत बुमराह, वो 4थे टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे। देखिए, इस बात से भारतीय टीम को एक झटका जरूर लगा था, झटका सभी फैंस को भी लगा था, क्योंकि वो बेहतरीन एक पेसर है उनकी गेंदबाजी से, क्योंकि वो इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं कि वे विकेट्स भी अच्छे खासे चटकाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कई कयास लगे जा रहे थे कि ऐसा क्या रीजन है कि उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से जो है बुमराह ने अपना नाम वापस लिया। कुछ लोगों का मानना था कि कहीं चोट तो नहीं लगी, लेकिन इस बात का खुलासा हो गया है। देखिए, आपको बता दें कि भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह शादी की तैयारियों के लिए जो है उन्होंने छुट्टी ली है। उन्होंने आराम इसलिए लिया है ताकि वो अपनी शादी की तैयारियों के लिए जो है पूरी तरीके से लगे जाए। देखिए, आपको बता दें कि इस वीक जो है उनकी शादी होने वाली है। देखिए, पहले जानकारी नहीं थी कि आखिर जसप्रीत बुमराह जो है वो ऐसी कौन सी लकी लेडी है जिनसे वो शादी करने वाले हैं, लेकिन इस बात का थोड़ा खुलासा हुआ है कि वो स्पोर्ट्स एंकर हैं और गोवा में ये दोनों जो है शादी करने जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी 4था टेस्ट मैच सीरीज चल रही है, 4था टेस्ट मैच भी होने वाला है अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में, और अभी सभी टीम जो है बायो बबल में है, जिसके कारण भारतीय टीम के जो खिलाड़ी है वो शादी में अटेंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के बढ़ते केसेस को देखकर जो है उन लोगों ने ये भी डिसाइड करा है, यानी कि उनके परिवार ने डिसाइड करा है कि कम से कम लोगों को शामिल किया जाए। देखिए, टेस्ट मैचेस की बात करें कि पहले टेस्ट मैच में स्पिन पिच के कारण जो है जसप्रीत बुमराह को जो है मौका नहीं मिल पाया था। दूसरे मुकाबले में उन्हें आराम दिया गया था, जिसके साथ ईशांत शर्मा के साथ जो मोहम्मद सिराज थे उन्होंने कमान संभाली थी। और उसके बाद तीसरे टेस्ट मैच के बाद आधिकारिक बयान आया कि जसप्रीत बुमराह ने अपना नाम वापस ले लिया है, ताकि वो यानी कि 4थे टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे। और आपको ये भी बता दे, जानकारी दे दे कि इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में भी जसप्रीत बुमराह का आना मुश्किल है। देखिए, शादी है, छुट्टी तो बनती है, लेकिन अब देखते हैं आगे आने वाले मुकाबलों में कब जसप्रीत बुमराह की वापसी होती है। देखिए, जितना जानकारी हमें मिली उसके अकॉर्डिंग आपको बता दें कि IPL में ही अब जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी, अब ODI में भी उनका आना मुश्किल है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप उनकी खुशखबरी शादी से कितना खुश है, लेकिन साथ ही साथ वो 4थे टेस्ट मैच में मुकाबले में नहीं खेलते हुए नजर आएंगे, उसमें आप उनको कितना मिस करेंगे, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इस हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल डेली स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।